जो करंट होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, बी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। इसके अलावा हमने पढ़ लिया था अबाउट मीन वैल्यू, सॉरी पीक वैल्यू एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। इसके अलावा पढ़ा था टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे अबाउट मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो फॉर द हेडिंग मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, समझिए बात को। सपोज दैट ये वोल्टेज, ठीक है, और इसी के कंटेम्परेरी करंट क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, जीरो से स्टार्ट हुआ वी एंड आई, ये आई हमारा और ये क्या है वी या ई है, ईएमएफ है तो ई लिखते हैं। यहां हो जाएगा टी हाफ, ये हो जाएगा टी आगे जो भी है। बात करेंगे मीन वैल्यू की, तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल एक यहां पर पॉजिटिव हुआ, सपोज दैट ये प्लस 5 वोल्ट हुआ और यहां पर ये माइनस 5 वोल्ट हुआ, तो इसका जो मीन आया वो क्या गया जीरो। तो सिंपली फॉर वन कंप्लीट साइकिल द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज जीरो, बट जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि हाफ में तो उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है, हाफ साइकिल में क्या है कुछ फाइनाइट वैल्यू, और उसी हाफ साइकिल का जो फाइनाइट वैल्यू से हम क्या बोलेंगे मेन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। तो लिख लेते हैं फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल of an AC mean value is zero while mean value of alternating current is zero while for half cycle of AC it is a finite value, क्या एक finite value है, और जिस यही क्या होती है हमारी quantity होती है, this is the quantity which is defined as the mean value of AC finite value, so this is the quantity, this is the quantity which is defined as the mean value of alternating current, clear है। हमने क्या कहा बेटा कि finite cycle, एक complete cycle के लिए तो alternating current या voltage दोनों क्या है zero है, but half cycle में इसकी कुछ finite
पर इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी हाफ इंटीग्रेट करेंगे कहां से, 0 से हाफ साइकिल तक की किसका, करंट का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। सिंस आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दीजिए यहां पर, तो आई मीन इज इक्वल टू हो जाएगा टी हाफ 0 टू टी हाफ साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इतना क्लियर है, जहां आई नॉट कॉन्स्टेंट, इसके अलावा टी की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 पाई बाय ओमेगा क्या होता है, हमने पढ़ रखा है। सिंस टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा तो पुट करेंगे यहां पर, तो आई मीन इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट बाय टी बाय 2, और टी की वैल्यू यहां पर पुट करोगे तो 2 पाई बाय 2 तो पहले से था और 2 हो जाएगा ओमेगा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, जैसे टी हाफ पाई ओमेगा बाय सॉरी पाई बाय ओमेगा आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी डी टी। अब यहां पर इंटीग्रेशन में हमने बताया था कि साइन टी का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा का आ जाएगा, तो अगर इंटीग्रेट हो रहा है जैसे साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता ओमेगा कॉस ओमेगा टी का हुआ था ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसी तरीके से वहां पर मल्टीप्लाई में लगेंगे यहां पे क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा। तो जो मैथ्स लिए हुए हैं तो उनके लिए तो ये इजी है, बट बायोलॉजी के लिए प्रॉब्लम है। तो ऐसे याद रखोगे साइन ओमेगा टी का क्या होता है कॉस, साइन टी का होता है कॉस टी माइनस का, ठीक है ना। बट यहाँ ओमेगा लगा हुआ तो वो नीचे चला जाएगा, तो इस टाइप से हम लिखेंगे ओमेगा बाई ओमेगा आई नॉट बाई पाई, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के साथ लिमिट 0 टू पाई बाई ओमेगा, और एक ओमेगा जो नीचे आएगा वो कैंसिल हो जाएगा इससे, यहां हमारे पास बचा आई नॉट बाई पाई। लिमिट अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे, तो यहां पर देखिए माइनस कॉस ओमेगा और टी की जगह पुट करेंगे, फाइनल माइनस नीचे होगा तो जाएगा पाई बाई ओमेगा, और माइनस लगेगा ना, क्या लगेगा माइनस, लेकिन माइनस पहले से तो आ जाएगा प्लस कॉस फाइनल माइनस नीचे हो जाएगा जीरो, ये इससे हो गया कैंसिल, और ये क्या हो गया कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस का वन, यानी प्लस का वन हो जाएगा और प्लस का वन, यानी वन और वन क्या आ जाएंगे टू आ जाएंगे। समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर प्लस वन और ये अभी क्या हो जाएगा प्लस वन, याद रखना हमने ये बता दिया था यहां से, उसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा। तो यहां पर हो गया आई मीन इज इक्वल टू आई नॉट टू आई नॉट बाई पाई, टू आई नॉट बाई पाई, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई मीन की वैल्यू आ जाएगी 0.707 सॉरी 0.637 आई नॉट, कितना आ जाएगा 0.637 आई नॉट, ठीक है ना, क्लियर बेटा। सिमिलरली अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करेगा तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि इक्वेशन बिल्कुल सेम है, वी नॉट आई नॉट की जगह वी नॉट हो जाता है पर ई नॉट। तो सिमिलरली अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई मीन ई मीन इज इक्वल टू 0.637
ठीक है ना, नोट कर लीजिए फटाफट से इसको, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सारी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत केयरफुल होके पढ़ना है। अभी तो हमने पढ़ा मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू पढ़ा है जो हाफ साइकिल में जो करंट होती है या वोल्टेज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, मीन वैल्यू बोलेंगे। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमें पढ़ना है, ठीक है? तो पुट द हेडिंग, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट। होता क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अभी हमने बताया कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो मीन वैल्यू होती है बेटा वो जीरो होती है, ठीक है ना। बट हाफ साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं। बट अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो जो अल्टरनेटिंग करेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, यानी मीन का स्क्वायर और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सिंपली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन एक्स इज डिफाइंड एज रूट मीन वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं आरएमएस, क्या बोलेंगे, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एन एसी इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ आई डैश स्क्वायर। यहां पर आई बार दिया गया है, आई बार का मतलब क्या है, मीन का स्क्वायर, ठीक है, ड्यूरिंग, किसके ड्यूरिंग, ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। राइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, वेयर राइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, जो आई क्या है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसकी, एसी के, देन सो आई बार का स्क्वायर, समझिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, आई डैश का स्क्वायर यानी आई बार का स्क्वायर करेंगे किसके टर्म में, वन कंप्लीट साइकिल के टर्म में, तो वन अपॉन टी। आगे इंटीग्रेशन में आप लोग पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो वहां प्रॉपर्टीज होते हैं कि अगर किसी का हम जैसे प्रोडक्ट करवाते हैं तो उसका लिमिट इंक्रीज करते हैं टी में, और आई की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर डी टी, आई की वैल्यू है क्या, सिंस आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई साइन ओमेगा
और t की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई ओमेगा, पुट कर दीजिए तो आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा आई स्क्वायर की जगह पुट करोगे तो यह आ जाएगा आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और लिमिट कहां से कहां, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है ना? अब बेटा चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा हो, स्क्वायर में हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हम स्क्वायर को एंगल में, तो इसके लिए हमारे पास हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमको साइन के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लगा सकते हैं, ठीक है। 2 थीटा ले लो, 2 थीटा बराबर तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, ये आएगा। याद रखना, इसको अलग नोट कर लेना, नोट करना होगा तो मैथ्स स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा बायोलॉजी स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, ये तो यहां से इसको ऊपर लिख लेंगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट स्क्वायर लिमिट 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह ये वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या बेटा ओमेगा टी है, तो यह आ जाएगा 2 ओमेगा टी होल अपॉन में 2 डी टी। इतना क्लियर हो गया सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ डी टी आएगा तो टी हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, चलो 2 को आगे ले लो पहले, आई बार स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई नॉट स्क्वायर होल अपॉन 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये आ जाएगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। चलिए देखते हैं, यहां पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और इसका क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और एक्सेस क्या है टी के अलावा, 2 ओमेगा है ना एक्सेस, तो जो एक्सेस होगा उसको हम नीचे भी लिखेंगे तो आ जाएगा 2 ओमेगा लिमिट 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाई 4 पाई यहां पर पुट करोगे तो यह जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, और इसकी जगह पर पुट करोगे तो इधर हम पुट करके बता देते हैं साइन 2 ओमेगा, और ओमेगा की जगह पुट करोगे सॉरी टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल और 4 पाई यानी साइन 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 0। 180 का प्रोडक्ट है, 180 साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, और बाकी सब पुट करोगे तो सब 0 ही आएगा क्योंकि 2 ही 0 और ये 0 पुट करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई बाई ओमेगा से 1 ओमेगा कैंसिल और यहां से 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई बार का स्क्वायर यानी आई बार का स्क्वायर आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे और वही हमारी हो जाएगी आई आर एम एस वैल्यू।
स्क्वायर, तो आई आर एम एस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आई नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस हो गया आई नॉट बाई रूट टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो आई आर एम एस आ जाएगा 0. कितना होता है 0.707 आई नॉट हो जाएगा। ये हमारी आई आर एम एस हो जाएगी सिमिलरली। अगर हम बी आर एम एस की बात करें तो बी आर एम एस इज इक्वल टू सॉरी ई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा 0.707 ई नॉट, ठीक है, या ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट ये, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। दोनों डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, मीन वैल्यू की और आरएमएस वैल्यू की। इसको अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे अबाउट फेजर डायग्राम और डिफरेंट सर्किट्स के बारे में, कि सर्किट में अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक अल्टरनेटिंग सर्किट में, कैपेसिटेंस लगा हुआ है या इंडक्टेंस लगा हुआ है, या उनकी कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पर ईयर एग्जाम में आपके आते ही है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।